हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधीर एंड आज हम बात करेंगे लेनोवो लीजन 5 के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। ये लेनोवो लीजन 5 है 5600H, जिसके अंदर 1650 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ 4GB वाला। और जो ये कॉन्फ़िगरेशन आई थी मेरे पास, ये 8GB रैम थी इसके अंदर 32 MHz की एंड 512GB की NVMe SSD लगी हुई थी। और 60W या 56W की इसके अंदर बैटरी थी। 120Hz की इसकी जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट था वो था, और 15.6 इंच की इसकी स्क्रीन है। मैंने इसका रिव्यू डाला था 9 महीने पहले ऑलमोस्ट, जब मैंने इसको लिया ही था। मैंने इसको अपग्रेड भी करा, अपग्रेड करने के बाद मैंने इसको 16GB रैम कर दिया एंड 1TB हार्ड डिस्क कर दिया, 512GB की NVMe मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। तो यार, मैं इसको मेनली यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए। इसमें मैं अपने 4K वीडियोज़, यूट्यूब के वीडियोज़ एडिट करता हूँ और अपने जो फोटोग्राफी का वीडियोज़ हैं वो एडिट करता हूँ। तो ओवर द टाइम जो मैंने रिव्यू डाला था शुरुआत में, अनबॉक्सिंग का, इनिशियल इंप्रेशन का, उस पर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए, बहुत सारे, एंड रेगुलरली तब से आ ही रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि यार लॉन्ग टर्म रिव्यू बताओ इसका वाईफाई वर्जन कौन सा है, स्क्रीन इसकी sRGB है कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी है, 4K एडिट हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, कीबोर्ड कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, कैसे कंपेयर करता है Asus स्टफ़ के सामने, Acer Nitro के सामने या फिर HP Victus के लिए सामने। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, हम वो सब डिस्कस करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो यार, पहली चीज़ आती है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को क्या पॉजिटिव पॉइंट लगे, क्या नेगेटिव पॉइंट लगे। तो पॉजिटिव पॉइंट यार ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में अच्छी है और 9 महीने यूज़ हो गए। कीबोर्ड ऑसम है, ट्रैक पैड इज़ गुड, हालांकि मैं ट्रैक पैड यूज़ नहीं करता, एंड जो पोर्ट्स की कनेक्टिविटी है वो एकदम गजब है। मैंने आपको बताया था पोर्ट्स इसके पीछे हैं या नज़र आ रहे होंगे आपको सारे, ये इन्होंने यहाँ मार्क कर रखे हैं। ओके, तो पोर्ट्स के नाम में सब कुछ है, टाइप सी पोर्ट है, USB 3.2 पोर्ट्स हैं सारे के सारे, जो टाइप ए पोर्ट्स हैं हमारे, है ना। ओनली थिंग जो मेरे को कमी लगी, इसके अंदर एक फुल SD कार्ड स्लॉट नहीं है, क्योंकि सच में मैं फोटोग्राफी का काम करता था और वो कितना अच्छा होता है, मुझे एक एक्सटर्नल कार्ड रीडर लगाना पड़ता है एंड देन मुझे ये यूज़ करना पड़ता है। बट अच्छा रहता कि यार अगर एक SD कार्ड स्लॉट दे देते फुल साइज़ तो लाइफ आसान हो जाती, तो वो चीज़ है। एंड एक चीज़ और, जो लोग कुछ लोग बात करते हैं इसकी स्क्रीन के बारे में कि स्क्रीन सर इसकी कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को कि स्क्रीन इसकी 100% sRGB है या नहीं है। मेरा जो मॉडल है वो मेरे ख्याल 802 CMIN है मेरे ख्याल, तो यार स्क्रीन इसकी 100% sRGB नहीं है, ये 45% NTSC कवरेज है इसकी एंड 72% sRGB है। तो 100% sRGB वाले और मॉडल्स आते हैं इसके, आप ये चेक कर सकते हैं। सेकंड थिंग, लोग पूछते हैं वाईफाई 6 है या नहीं है, जो मेरे वाला मॉडल है वो वाईफाई 6 नहीं है, बट कुछ मॉडल है हमने वाईफाई 6 मॉडल देना चालू कर दिया है। जो कीबोर्ड है यार, कीबोर्ड सच में ऑसम है, और कीबोर्ड के अंदर लोग पूछते हैं लाइटिंग है या नहीं है, दो लेवल हैं, वन इज़ मीडियम, वन इज़ ऑफ, ये ऑफ है फंक्शन स्पेस बार, ये हमारा ऑन है, ये लो लेवल है एंड ये हमारा हाई लेवल है। और एक चीज़ और, जो उसकी कूलिंग है काफ़ी अच्छी है, तो कूलिंग के लिए उन्होंने डेडिकेटेड बटन दे रखा है, जिस उसके 3 मोड्स हैं, वन इज़, और ये फंक्शन क्यू करके है, फंक्शन क्यू आप ये देखते हैं यहाँ पे ब्लू हो गया, दैट मीन्स साइलेंट मोड ऑन हो गया है, एंड फंक्शन क्यू को आप एक बार और दबाएंगे तो ये ऑटो मोड चालू हो गया है। बूस्ट मोड तब चालू होता है जब आपका बैटरी कनेक्टेड है पावर आउटलेट पे, आपका AC आउटलेट से आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, तो बूस्ट मोड चालू हो जाएगा, रेड हो जाएगा एंड फैन फुल स्पीड पे काम करते हैं एंड इट वर्क्स। मैंने अपना 4K वीडियो 3000 फोटो एक्सपोर्ट करी हुई लाइट रूम से, एकदम फुल ब्लास्ट पे फैन चलते हैं, हल्की सी आवाज़ आती है बट इट वर्क्स। मैक्सिमम टेम्परेचर 91 डिग्री पहुँचते हैं इस पर, इससे ऊपर नहीं पहुँचे हैं, तो 91 इज़ माई हाइएस्ट जो इसने टच किया है। एंड यार मेन बात करते हैं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस कैसी है ये, जैसे मैंने बताया 5600H है, जो 6-core CPU है एंड 12 थ्रेड्स हैं उसके अंदर। ओके, एंड परफॉर्मेंस ऐसी है कि यार अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, 4K एडिटिंग कर रहे हैं, आप आराम से करेगा, अगर वो फुटेज फ़ोन से ली हुई है तो आप कोई इशू ही नहीं है। इवन इफ आपने प्रोफेशनल कैमरे से ले रखी है, जैसे मैं लेता हूँ मेरे A7 III से लेता हूँ फुटेज, तो आराम से करता है। हाँ, वो अलग बात है, अगर आप 4K के 2-3 ट्रैक एक साथ चलाएंगे तो ये मुश्किल करेगा, उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, अगर आप प्रॉक्सी एडिटिंग करेंगे तो हो जाएगा। एंड एक चीज़ और, कुछ लोग पूछते हैं कि अपग्रेड ऑप्शंस क्या है, कुछ रैम 32GB अपग्रेड कर दें कितना फ़ायदा रहेगा। इसमें 16GB रैम है, मैंने इसमें हैवी से हैवी काम कर लिया, 4K वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट कर लिया है, 13GB से ऊपर रैम यूज़ होती ही नहीं है,
होती ही नहीं है। लाइट रूम में मैंने 3000 फोटो एक दिन एक्सपोर्ट करी थी, वो 10 GB के करीब उसने डेटा लिया था, उससे ऊपर नहीं लिया था। थोड़ा बहुत क्योंकि ग्राफिक कार्ड की मेमोरी भी यूज़ होती है। इवन इन अगर आप गेम्स भी खेल रहे हैं, कोई सा भी नॉर्मल गेम आप खेल रहे हैं, तो आप खेल सकते हो आराम से अच्छी सेटिंग्स पे, फुल एच डी सेटिंग पे खेलो, आपको आराम से 50-60 फ्रेम्स ये देगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड फास्ट ऐसा है यार, फास्ट जो बात करते हैं, बूट तो यार 6-7 सेकंड के अंदर बूट हो जाता है। आपने इसकी लिड ओपन करी, अपने आप ओपन होता है मैकबुक स्टाइल, और मैकबुक से जल्दी ऑन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी बैकअप यार इट इज़ ओके। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा, क्योंकि यार ये 56 वाट आवर की बैटरी है मेरे ख्याल, है ना। अगर 80 वाट आवर की बैटरी, तो ऑफकोर्स जो मॉडल नए मॉडल आ गए, जो 80 वाट आवर वाली बैटरी है, वो ज़्यादा बैकअप देगी। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है कि उसमें अंदर आप अपनी साटा SSD नहीं लगा सकते। इसके अंदर 2 M.2 पोर्ट्स हैं, और जो 80 वाट आवर वाली है उसके अंदर भी 2 M.2 पोर्ट्स हैं। बट फ़र्क यही है कि इसमें आपने अगर एक साटा SSD लगा दी 2.5 GB वाली, या नॉर्मल हार्ड डिस्क लगा ली, तो आप सेकेंड M.2 नहीं लगा सकते। आप उसको हटाओगे तभी आप अपनी M.2 दूसरी लगा पाओगे। तो मैंने दोनों M.2 लगा रखी हैं। तो हम बात कर रहे हैं बैकअप की। तो बैकअप यार अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो, ऑटो सेटिंग्स में आप यूज़ कर रहे हो, है ना, तो यार ये 3 घंटे के करीब आपको बैकअप देगा। और अगर आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, वो जो क्वाइट मोड यूज़ कर रहे हो एंड बिल्कुल नॉर्मल वेब सर्फिंग कर रहे हो, तो ये 5 घंटे तक का बैकअप आपको दे देगा। और वहीं अगर आप गेमिंग कर रहे हो, हाई लेवल गेमिंग कर रहे हो, एकदम अच्छी सेटिंग्स पर खेल रहे हो, है ना, तो यार ये 1.5 घंटे का बैकअप देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। बाकी यार वेबकैम है, जो वेबकैम इट इज़ नॉर्मल, जो HD वेबकैम है, कोई इतनी खतरनाक क्वालिटी नहीं, इट इज़ फाइन। इसके अंदर चार्जिंग जो है, चार्जिंग फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब बैटरी की बात करें, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 50% ये आराम से आधे घंटे के अंदर आपका चार्ज कर देगा ये बैटरी। बट यहीं बैटरी की बात आती है, तो हाँ यार एक फ्लॉ है इसके अंदर, इसका जो बैटरी का जो बैंक है ना, वो भारी है यार, काफ़ी भारी है ये। इसका जो बैटरी ब्रिक है वो इतनी है यार, तो बहुत भारी है यार। तो मेरा सच में लेनोवो से विनती है कि यार इसको छोटा करो यार। आई मीन लाइक मोबाइल फ़ोन के 100-100 वाट के चार्जर, 120-120 वाट के चार्जर, इसके 1/4 आते हैं, तो आप क्यों ये इतना भारी चार्जर हम लोगों को दे रहे हो। एंड बात करते हैं साउंड की, तो लेनोवो वेंटेज इनका अपना सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इन्होंने नाइमिक ऑडियो दे रखा है, जो एंड ऑडियो इज़ फाइन, ऑडियो अच्छा है। आप अपना यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मूवीज़ आराम से देख सकते हो, बट एक क्वाइट इन्वायरमेंट में, ठीक ठाक इन्वायरमेंट। अगर हाँ सच में शोर वोर ज़्यादा है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। जो आजकल नॉर्मल लैपटॉप्स का स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके हिसाब से इट इज़ अ नॉच अबव, बट कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अब बात करते हैं लेनोवो लीजन, ये ना 2 ऑप्शंस में आता है आपको, या तो आपका इंटेल में आता है, ये AMD में आता है, तो आपको कौन सा लेना है। तो इंटेल के अंदर अभी तक 12th generation तो नहीं आया है, जो 10th and 11th generation, 10th generation आप भूल जाओ, वो मत लेना आप, इट इज़ नॉट एज फास्ट एज Ryzen 1। और 11th generation एंड जो Ryzen है, दे आर नेक टू नेक ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मेरे को लगता नहीं कि आप फ़र्क पता लगा पाओगे कुछ, कितनी भी टेस्टिंग कर लो आप ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लगा पाओगे इन दोनों के बीच में। बट अगर आपको इन दोनों के बीच में चूज़ करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप Ryzen कर लो, क्योंकि Ryzen का एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वो फाइन है, 7 नैनोमीटर की, जो इंटेल की है वो 10 नैनोमीटर पे है, तो ये ना कूल रन करता है, ये ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता, तो आपका जो बैटरी बैकअप है वो आपको अच्छा मिलता है। तो इन नटशेल मैं आपको कहूँगा, अगर आप लीजन ले रहे हो तो गो फॉर AMD चिप, और अगर आप 12 जनरेशन अफोर्ड कर रहे हो, 12 जनरेशन आता है कल को, तो इट विल बी कॉस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ उसकी परफॉर्मेंस ऑफकोर्स AMD 5000 सीरीज से अच्छी रहेगी, बट वो आपकी बैटरी खाएगा, ठीक है जी। तो एक फाइनल जो क्वेश्चन है लास्ट में, लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या यार HP विक्टर्स ले लिया जाए, ASUS टफ ले लिया जाए, Acer Nitro ले लिया जाए, या फिर इन्हीं का आइडिया पैड आता है जो कि थोड़ा सस्ता है, क्योंकि इन चारों में Ryzen ऑप्शंस आते हैं। तो यार HP विक्टर्स सच में एक अच्छा प्रपोजिशन है, वो 3050 के साथ भी आता है, और मेरे ख्याल इनका भी 3050 के साथ आने लग गया है। और HP विक्टर्स थोड़ा सस्ता है, उसकी स्क्रीन 16 इंच की है ना, तो यार ये मोर ऑफ ए पर्सनल चॉइस पे आ जाएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है उसको पावर दे रखी है, वो अच्छी वॉटेज पे काम करता है, क्योंकि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो बेटर है कंपेयर टू Nitro टफ विक्टस, है ना, या इवन आइडिया पैड की मैं बात करूँगा उससे भी। बट देन ये सब एक कॉस्ट पे आता है, तो ऑब्वियसली वो 7000 रुपये सस्ते मिल रहे हैं आपको लैपटॉप, है ना, तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट कट होती है वो आपका
बिल्ड क्वालिटी में कॉस्ट कट है आपकी एंड कूलिंग सॉल्यूशन में कॉस्ट कट है आपकी और जो जीपीयू को जो पावर देने वाली बात है उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग है। तो ये आपको देखना है, आप यूट्यूब पे बेंचमार्क्स चेक कर सकते हो। बट फॉर मी, अगर आप मेरे से पूछोगे फ्लॉ, मैंने आपको बताया, एक तो इसका जो बैटरी का ब्रेक है ना वो भारी है, और दूसरा एसडी कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है। एंड तीसरा कह सकते हो, हालांकि मुझे मालूम था मैं एडिटिंग का ही काम करता हूँ, बट जो स्क्रीन है वो 100% sRGB नहीं है। अगर वो मिल जाती उस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत अच्छी चीज़ थी। हालांकि इनके जो नए इटरेशन आए हैं उनमें इन्होंने RGB कीबोर्ड भी दे दिया है, बैटरी जो बैकअप है वो 80 वाट आर वाला बैटरी का ऑप्शन भी आने लग गया है, 16GB रैम एंड 3050 वाले ग्राफिक कार्ड के साथ भी दे रहे हैं। मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा आपको, आप वो चेक कर सकते हैं। एंड इसको कैसे अपग्रेड करते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप मैंने आप सबके जो ओवर द टाइम जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे, आपको अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई होगी। दैट्स इट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।